एकदम माम का एंजॉय है हमारा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एंजॉय है। एकदम कॉर्निश पे बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं। फिश फ्राई टुडे। एंजॉय कोयले को इसको रख दिया। कल हम 12 बजे आया, देखा पूरा तुम लोग इधर पे बैठे रात में। हाँ हाँ, कल रात को इधर से गया सुबह 4 बजे। यार चक्कर क्या है, सब फारिग है, काम नहीं है किसी के पास भी। ऐसा क्या करता है काम ऐसे दूसरा टाइम में? हम लोग बाहर काम, मेरा तो आजाद, मैं रियाज से आया हुआ हूँ। अच्छा, मैं रियाज में काम करता था, मेरा काम है तोशिबा कंपनी में। अच्छा तोशिबा? हाँ तोशिबा मालूम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता। हाँ, बहुत। अभी मैं जब का इधर आया हुआ ना, मेरा काम नहीं स्टार्ट हो रहा अभी, क्योंकि ऑफिस में भी मेरा काम नहीं है। अच्छा। तो मैं सुबह के टाइम फारिग होता हूँ, तो फिर मैं रात में इनके साथ घूमता रहता हूँ, सुबह सोया रहता हूँ। और ये जो दूसरा लड़का है वो बड़े वाला? हाँ बड़े वाला ला। दो हैं। हाँ दो। दोनों का कफील के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा। एक का कफील गाड़ी खा गया। क्या खा गया? गाड़ी, उसका गाड़ी लिया। हाँ, वो अपना गाड़ी चलाता था ना, किस्तों पे उसने गाड़ी लिया हुआ था। अच्छा अच्छा। उसका किस्त खत्म हुआ रेंट पे, ए वो लोन पे खत्म हुआ। हाँ, उसका कफील वो गाड़ी अपने उसके नाम पे था ना। हाँ वो तो वो खा गया गाड़ी। ये गिरता है नीचे कुछ? नहीं नहीं, नीचे नहीं गिरता। हाँ ये उसका, ये गिर रहा है। इंजॉय द धमाम। उधर टेंट लगा है पूरा, और टेंट में ये सब का बस यही काम है, इधर बैठना खाना। और ये मस्त है ना, अच्छा फ्री में मछली मारा, टेंशन नहीं। अभी ये जो जिनका कफील के साथ झगड़ा हो गया, इनका क्या काम है? जो अभी बड़ा बड़ा मच्छी पकड़ते हैं ना, हाँ, खाने वाला रख लेते हैं, जो अच्छा पीस होता है ना। हाँ, वो खाने के लिए रख लेते हैं, नहीं तो मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, 150-200 रियाल में वो सेल हो जाता है। अच्छा हाँ, एकदम ताज़ा फ्रेश। इस सीजन में ये जो मामू है, हाँ, ये बंगाली है। हाँ, इसने 2 पीस पकड़ा इतने का। अच्छा, हमूर का, हमूर सबसे महंगा मच्छी है वो इसने पकड़ा, हमूर और एक वो चना। ये इसने पकड़ा, इसने 2 पीस खाया, इसने बेचा नहीं, खाया बस यार। हमारा भी पूरा दिन इधर ही कॉर्निस पे जाता है, अब कहाँ जाए, उधर नमाज पढ़ता है, इधर आएगा नमाज पढ़ के डायरेक्ट इधर। अच्छा आप कंपनी के आदमी? नहीं, दुकान है, शॉप है। पहले हम कतर में, फिर कतर से भी जीता आया। हम मक्का शरीफ से थोड़ा सी दूरी पे हैं। सही है, तो मक्का में तो वो समंदर नहीं है, तो उधर आपकी दुकान है, उधर क्या काम करते हैं? यही यही तो यही दुकान है, सेम फिशिंग का, मरीन आइटम। उधर तो वो समंदर नहीं है इसका, तो उस जगह तो बिजनेस ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे है उधर पे। हम लोग इधर पे
अल रुएस में, उधर पे है कॉर्निश पड़ता है जिद्दा का, जो सबसे बड़ा सीपोर्ट है ना जहाँ कंटेनर आते हैं उधर पे हमारे, वहाँ से टैक्सी वाला 15 रियाल लेता है मक्का जाने का। हाँ सही है, आप जिद्दा के कोने पे हो। हाँ एकदम कॉर्निश पूरा वो लगता है, इधर उसका घर है ना शेख फहद, किंग फहद का, समंदर के अंदर उधर हम हैं, वो भी ऐसी कॉर्निश के किनारे है। हाँ। ये बड़ा बड़ा होटल छाप देने का, मजा ले रहे मजा भाई, ये तो लेना है, ये 2 महीने के बाद मिलता है। इसका के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा ये दोनों भाई है क्या, सेम दिखते हैं? नहीं दोस्त हैं, बस उधर पाकिस्तान में नज़दीक नज़दीक। अच्छा हमसे ये लाहौर में है ना? अच्छा हम सियालकोट में है। अभी ये जो काला वाला लड़का आया, हाँ जो खाना खाने के टाइम आया, वो ट्राउज़र पहना हुआ ब्लैक था। हाँ इसका नाम वजीर है, 85 मछली इतना ये पकड़ा अभी एक दिन वो उधर से। अच्छा 85 इतना कुछ ही देर में, 2-3 घंटे में पकड़ लिया, बाद में ऐसे रख के साफ करके खा पी के हो गया। इनका यही काम है, जिस दिन बड़ा मछली पकड़ लेना या ज़्यादा पकड़ लेना उस दिन खाना है।